हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेक सब कुछ चैनल। दोस्तों, सैमसंग कंपनी फोन लॉन्च करने के मामले में मुझे लग रहा है कि थोड़ा एग्रेसिव होती जा रही है, क्योंकि अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि सैमसंग A52 ऐसे स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, शायद से नेक्स्ट वीक तक ये फोन लॉन्च हो जाए। वहीं अब सैमसंग का एक और स्मार्टफोन लीक हो गया है, जो कि एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन है, 10,000 से कम कीमत में ही आने वाला है। तो अगर आप इस टाइम पर 10,000 से कम बजट में कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इस स्मार्टफोन को आप जरूर से वेट कर सकते हैं। तो इस स्मार्टफोन में हमें क्या कुछ फीचर देखने को मिलेंगे, इसकी प्राइस क्या होगी, कब तक ये स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो गाइस, सैमसंग अपना एक और नया बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन सैमसंग A03s बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाली है। अब इस स्मार्टफोन के अगर बिल्ड और डिजाइन की बात की जाए तो इसके बैक में हमें पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगी, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है और फ्रंट में इसके वी नोच डिस्प्ले दी जाएगी। तो यहाँ पर डिजाइन इस स्मार्टफोन का टिपिकल सैमसंग स्टाइल में ही देखने को मिलेगा। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच का एक HD+TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जी यहाँ पर IPS LCD डिस्प्ले भी नहीं है, यहाँ पर TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 720x1600 रेजोल्यूशन के साथ में आएगा। इसके अलावा बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर सैमसंग इस स्मार्टफोन में हमें MediaTek Helio P35 प्रोसेसर देने वाली है, जो कि 2.3 GHz पर क्लॉक है। हालांकि ये प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना हो चुका है, इसमें आपको परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाएगी, डेली यूज के लिए काफी सही रहने वाला है। वहीं अगर आप इस पर गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप सारे गेम इस पर खेल पाएंगे, बट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी जितनी की मिलनी चाहिए। वहीं कंपनी अगर इस स्मार्टफोन में थोड़ा बेटर प्रोसेसर यूज करती, यानी कि G70 वगैरह यूज करती, तो काफी सही रहता। बाकी इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट की बात की जाए तो यहाँ पर 3GB रैम और 32GB स्टोरेज देखने को मिलेगी, जिसको कि आप मेमोरी कार्ड के जरिए एक्सपेंड भी कर पाएंगे। साथ ही ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 और सैमसंग UI 3.1 इसमें देखने को मिलेगा। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा की, तो इसके बैक में हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि हमें 13MP का प्राइमरी लेंस मिलने वाला है, 2MP का डेप्थ और 2MP का मैक्रो लेंस दिया जाएगा। वहीं इसके फ्रंट में हमें 5MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसके बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैमरा भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। इसके अलावा बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी की, तो यहाँ पर 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसको कि आप 10W के चार्जर से चार्ज कर पाएंगे। वहीं इसके अदर कनेक्टिविटी फीचर की बात की जाए तो इसमें एंड्रॉइड 11, USB टाइप सी, 3.5 हेडफोन जैक, ट्रिपल कार्ड स्लॉट एंड फेस अनलॉक जैसे फीचर मिल जाएंगे। वहीं इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट और प्राइस की, तो ये स्मार्टफोन NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट, ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है, और साथ ही ये स्मार्टफोन गूगल प्ले कंसोल वेबसाइट पर भी देखा गया है। साथ ही इस स्मार्टफोन की सभी लीक्स वगैरह भी निकल कर आ गई हैं कि इसमें क्या कुछ फीचर देखने को मिलेगा, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलने वाला है। शायद से ये स्मार्टफोन अगस्त के एंड या सितंबर के फर्स्ट वीक में हमें देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस की, तो इसके फीचर के अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन की प्राइस 10,000 से कम ही रहने वाली है, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन की प्राइस 8,000 के आसपास में होगी। तो 8,000 के आसपास में अगर ये स्मार्टफोन लॉन्च किया जाता है तो काफी अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इस स्मार्टफोन के फीचर वगैरह कैसे लगे हैं, क्या आप इस स्मार्टफोन को लेना पसंद करेंगे अगर ये स्मार्टफोन 8,000 की प्राइस में लॉन्च होता है, तो बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।